मसल्ली अला मुहम्मद व अली मुहम्मद। लब्बैक या हुसैन। करबला की सरजमीन पे पहुंच चुके हम फ्री बस लेकर मोमिनीन की तरफ से। इस वक्त में मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े के सामने हूँ। आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं। बाबे क़िबला मौला हुसैन अलैहिस्सलाम, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। ये ज़ियारत और लंगर न्याज जो किया गया है मोहम्मद हुसैन शाह अब्बास रज़ा ज़ैनब अफनान ज़रा अबुल फ़ज़ल रिबाब फ़िज़ा आमना आयरा आयान नादी अली इब्राहिम की तरफ से नबीला ज़फ़र और नुसरत बीबी और हाजी अदालत अली शहजाद अली और बशीर हुसैन तलहा तहा हुसैन और तमाम मोमनी मोमनात जिन्होंने खुसूस सलाम के लिए कहा, उन सब के लिए बहुत सारी दुआएं। ताज मोहम्मद और उसकी पूरी फैमिली, मलाइका हनीका और शमीम अख्तर के लिए दुआ, बहुत सारी हुसन और मलाइका जो बच्ची है उनके लिए दुआ है, अल्लाह उनको सेहत और ज़िंदगी अदा दें। मलाइका सिस्टर और उनके बच्चों के लिए दुआ है। करबला के समीर पे शुमाइला सिस्टर, फजल अब्बास मेजर और जुमला मोमिनीन और मोमनात दर हुसैन पे सलाम करने आए हैं। आप सब के लिए बहुत सारी दुआएं। शब जुमा है, दुआओं की मुस्तजाबी की शब है। आपने सलाम कर लिया। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का ये जो दरवाज़ा है वो बताता चलूँ कि बाबे किबला है। और सलाम अलैकुम सैयदना अज़ीज़, एक और ज़ियारत कराने जा रहा हूँ इसी वीडियो में, शब जुमा में। आई विल ट्राई कि कुछ दरवाज़ों की ज़ियारत आपको करवाऊँ। यहाँ पे चप्पल वगैरह जमा कराते हैं, मोबाइल जमा करानी होती है। ये बाबे रजा है जहाँ पे आशूर का वाक़या हुआ था। कितना खूबसूरत रोज़ा है मेरे मौला हुसैन का। ये बाबे काजी अल हाजात है। काजी अल हाजात यानी दुआओं को पूरा करने वाले। ये बाबे शोहदा है, इस पर लिखा हुआ है अस्सलाम अलैके या अबल अब शोहदा।
काजी अल हाजात मौला गाजी अब्बास अलमदार का रोज़ा आपके सामने। सलाम किया सर झुका के, पलकों को झुका के, सर को झुका के, अल्लाहु अकबर, अपने मौला अपने आका को सलाम पेश करें। बाबे करामा लिनसा, बाबे करामा भी शामिल किया जाता है क्योंकि ये लेडीज़ का दरवाज़ा है। बाबे शोदा के बाद बाबे करामा। ये बाबे करामा है लेडीज़ की तरफ, और ये सामने मुज़ीफ़ इमाम हसन अलैहिस्सलाम, मुज़ीफ़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जहाँ पे दस्तरखान, मुज़ीफ़ कैसे कहते हैं, दस्तरखान, जहाँ पे लंगर की टिकटें मिलती हैं और लंगर मिलता है, ये दरवाज़ा है। और ये तबर्रुकात हैं, अस्सलाम अलैकुम असहाबिल खामिस असहाबिल किसा। ये असहाब किसा में से कहते हैं, असहाब किसा पंचतन पाक में से पांचवा, ए मौला हुसैन तुम पे सलाम। बाब सलाम, वो बाब करामा था और ये बाब सलाम। मैंने जैसे कि बताया कि करबला वो सरजमीन है जहाँ पे लंगर और न्याज खाना ये तमाम चीज़ें, अल्लाहु अकबर, फ्री यहाँ के ज़ायरीन को जो ज़्यारत करने आते हैं नवासे रसूल की, उन सब के लिए ये खाना पीना फ्री होता है, हत्ता के रहाइश भी। और ये बाबे सिदरा, सिदरतुल मुंतहा, आपने सुना तो होगा जन्नत में। अस्सलाम अलैकुम अब्न सिदरतुल मुंतहा। बाकी दरवाज़े इंशाल्लाह बना के नमाज के बाद दिखाऊंगा, लाइव चला रहा हूँ आप सब के लिए। बहुत सारी दुआ करबला में किस शाकिर अलैहिस्सलाम, करबला की सरजमीन पे आप सब के लिए बहुत सारी दुआएं, मौला से दुआएं, अल्लाह आप सबको करबला नसीब करे, जिसने मेरे ऊपर जिम्मा रखा उन सबको, सब के लिए बहुत सारी दुआएं। लबैक या हुसैन, लबैक या हुसैन। ये वीडियो आपको कैसी लगी बताइएगा, आगे भी दरवाज़ों की तमाम मुकम्मल ज़्यारत करूँगा, शायद ये सवाल पूछूँ और फिर कुरान दादी में आप शामिल हो सकें। ये बाब सिदरा आपने देख लिया, अब चलते हैं एक और दरवाज़े पर और उसका नाम क्या है वो भी आप याद कर लें। कितने खूबसूरत खूबसूरत शहजादे घूमते हैं करबला में। ये करबला, अल्लाहु अकबर, मैंने चाहा आपको पूरे ज़ियारात करवाऊँ दरवाज़ों की, और जिस मोमिना ने ये तमन्ना की है उसकी तमन्ना भी पूरी हो सके, और अगली मर्तबा मौला गाजी अब्बास के तमाम दरवाज़ों की ज़ियारत करवाऊँगा। और ये दरवाज़ा है जिस पे लिखा हुआ है बाबे सुल्तानी है, बाबे सिदरा के बाद कौन सा है, बाबे सिदरा मुंतहा के बाद बाबे सुल्तानी है। ये भी लेडीज़ का दरवाज़ा है, ज़ियारत करें लेडीज़ की तरफ। और इसके सामने सफ़ीर इमाम हुसैन हॉस्पिटल है। और ये दरवाज़ा है जिसे बाबे रास शरीफ यानी मौला हुसैन का सर मुबारक इस तरफ जाए। मैं लाखों सलाम और दुरूद आपके मौला, आपके कदमों तले, आपके सर पे लाखों दुरूद और सलाम या हुसैन। और इस सर के सामने खूबसूरत एक प्यारा एक मशहूर चीज़ है जो आपको दिखाने चाहूँगा।
ज़्यारत कर लिया आपने करबला की, ये मशहूर हर वक्त आप तस्वीरों में देखते हैं, क्यों ना आपको मूवी के ज़रिए से दिखाई जाए। मशकीज़ा ये पानी मखसूस है करबला से, और बाब सुल्तानिया बाब रास के बाद बाब ज़ैनबिया। क्यों ये बाब ज़ैनबिया? इसके लिए कि ये बीबी ज़ैनब के तिल ज़ैनबिया की तरफ खुलता है, जिस पर लिखा हुआ अस्सलाम अलैका यबना फातिमा अज़्ज़हरा। और ये तिल ज़ैनबिया, और उसके बाद बाब क़िबला, जहाँ से मैंने शुरू किया वहीं तक इख्तिताम, सामने खैमे का। बीबी ज़ैनब का तिल ज़ैनब या इतना अमीर हो रहा है, इसकी भी ज़ियारत कर ले। सामने खेमे का है, खेमे के क्या होता है, जहाँ पे खेमे लगे थे सादात के अहल बैत के करबला में, जहाँ खेमे जलाए गए थे वो जगह है। ये मक्तल का है। बीबी सैयद यहाँ से दौड़ती हुई तिल ज़ैनब आई, फिर 7 मरतबा वापस गई, फिर 7 मरतबा आई, और यहाँ से 72 कदम को मक्तल का है, मौला हुसैन बिल्कुल करीब है। वहाँ तक बीबी सैयदा ने किस हाल में देखा अपने भैया हुसैन को, या हुसैन या हुसैन, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जो एक दिन ना देखती थी बीबी सैयदा तो बेहोश हो जाती थी। अगर अपने दिन में एक मरतबा मौला हुसैन को ना देखते, तारीख ने लिखा, बीबी सैयदा बेहोश हो जाती थी। ना जाने किस तरह अल्लाहु अकबर ज़िबा होते हुए देखा अपने भैया हुसैन को। आज हमने यहाँ पर मजलिस की थी, आज़ादारी की थी, जशन आफन जशन हो मसलिस और मज़ेदारी यहीं पे करते हैं। इस दफ़ा हमने जशन किया था मौला रज़ा का और बीबी मासूमा कुम का। आप सबके लिए दुआ हूँ, करबला की सरजमीन है, आप मेरे लिए दुआ करें, मैं आपके लिए दुआ हूँ। ज़रूर कमेंट्स करेंगे, अपना नाम लिखेंगे, मैं इंशाल्लाह दुआ करूँगा। वीडियो रुकनी नहीं चाहिए, दुनिया के हर आज़ादार तक पहुँचाने की कोशिश करें, हर मुसलमान तक, ताकि करबला के दरवाज़े मौला हुसैन के देख सकें। मैं आपके साथ शाकिर अली नजफ़ी करबला मौला से। यकीनन आपके दिल को सुरूर मिला होगा, दिल से दुआ दीजिएगा मौला मुझे अपना घर दे दे, मेरे घर का मसला हल कर ले।